नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, 31वीं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 16 से 22 दिसंबर तक राजधानी के टीटी नगर स्टेडियम और ओल्ड कैंपियन खेल मैदान पर आयोजित की जाएगी। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 6 जोनों के लगभग 660 खिलाड़ी भाग लेंगे। यह पूरा आयोजन मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग का स्पोर्ट्स क्लब हर वर्ष की तरह 31वीं अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। आयोजक मनीष मंडलीक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। बता दें कि जल संसाधन विभाग का स्पोर्ट्स क्लब विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हर वर्ष यह आयोजन अलग अलग संभाग स्तर पर करता है। इस वर्ष भोपाल संभाग में आयोजन होंगे, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। जी सर, आज नमस्कार, मैं सतीश अग्रवाल, भोपाल क्षेत्र का मध्य प्रदेश सिंचाई जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब का क्षेत्रीय सचिव और प्रांतीय अतिरिक्त महासचिव आपको बताना चाहूँगा। हमारे मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को मिलाकर एक स्पोर्ट्स क्लब बना है, मध्य प्रदेश सिंचाई जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब भोपाल, जिसमें 6 जोन आते हैं, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, होशंगाबाद, और इस तरीके से इन प्रत्येक 6 क्षेत्रों से 86 खिलाड़ियों का दल इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रत्येक वर्ष हर क्षेत्र में प्रतियोगिता होती है वहाँ पर उपस्थित होता है। इसमें सिंचाई विभाग और नर्मदा घाटी के अधिकारी कर्मचारी सभी लोग रहते हैं। इस वर्ष 31वीं अंतर क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित होने जा रही है, जिसमें 10 खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जो कि टीडी नगर स्टेडियम में, और एक खेल क्रिकेट ओल्ड कैंपियन ग्राउंड में हमारा 16 तारीख को उद्घाटन सत्र से प्रारंभ होगा। यही उद्घाटन और समापन सत्र हमारा जो है ओल्ड कैंपियन में 16 तारीख को रहेगा, और समापन जो है 22 तारीख को ओल्ड कैंपियन में होगा। 16 से 22 से ये 7 दिन हमारे जो कार्यक्रम चलेंगे, इसमें लगभग 600 खिलाड़ी उपस्थित रहेंगे, जिसको 2 चरणों में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। 300 करके 2 चरणों में रहेंगे, और इनको भी हमने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेडियम्स में, अलग अलग खेल मैदानों में बांटा है, ताकि एक साथ कहीं पर भी 50 से अधिक लोग एकत्रित ना हो। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा हम लोग पालन कर रहे हैं। हर जगह आपने यहाँ पर भी देखा होगा सैनिटाइजर की व्यवस्था है, सभी जगह मास्क की भी व्यवस्था है। इस तरीके से ये आयोजन हो रहा है। इसका उद्देश्य मुख्यतः हमारा खेल आयोजनों का उद्देश्य रहता है, सब में आपस में भाइयों में पूरे विभाग में एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करना और खिलाड़ी भावनाओं को आगे बढ़ाना, यही हमारा मुख्य आयोजन। समापन में हमारे जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी ने उपस्थित होने में अपनी वो भी दी, सहमति भी दी है, और उद्घाटन सत्र हमारे जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री एस एन मिश्रा साहब उसमें उपस्थित रहेंगे, श्री राजीव पुतलिकर साहब विशेष अतिथि, और हमारे प्रमुख ट्रस्टी श्री एम एस डावर साहब भी इसमें उपस्थित रहेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।